हाय दोस्तों, मैं सुभाष कुमावत आज फिर आपका इलेक्ट्रिक मोम अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक मोम पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको प्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अपन जो घर में प्रेस काम में लेते हैं उनका क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, घरों में जो प्रेस अपन यूज करते हैं वो सिर्फ दो ही तरह की होती हैं। कंपनी कोई भी हो सकती है, बजाज की, उषा की, किसी भी नाम की हो सकती है प्रेस, पर उसकी जो क्वालिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रेस होती है लाइट वेट और एक होती है हैवी वेट। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क होता है दोस्तों। तो मेरे आपके सामने दो प्रेसें हैं, एक ही लाइट वेट है, लाइट वेट मतलब हल्का वजन, और एक है ये हैवी वेट यानी भारी वजन, इसका वजन हैवी होता है। तो दोस्तों, अमूमन ज़्यादातर लाइट वेट ही प्रेस लोग पसंद करते हैं, उसको यूज में लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रेस दोनों ही अच्छी होती हैं, लाइट वेट भी हैवी वेट भी। तो इनमें अब मैं आपको बताऊंगा फ़र्क। तो दोस्तों, इसमें क्या फ़र्क होता है, जो हैवी वेट प्रेस होती है वो हमेशा इसके अंदर ये पत्ता डलेगा, 750 वाट का पत्ता होता है, ये डाला जाएगा। और जो लाइट वेट प्रेस होती है इसमें ये रोड आएगी, ये भी 750 वाट ही होती है, दोनों 750 वाट ही होते हैं। दोनों में फर्क यही है कि इसमें पत्ते का यूज होता है और इसमें रोड का यूज होता है। अब इसका डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, कि जो रोड होती है ना, ये हमेशा तेजी से गर्म होगी। अपन जो ही प्रेस को चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये जस्ट गर्म हो जाएगी, यानी कि आधे मिनट में ही गर्म हो जाएगी। और जो पत्ते वाली प्रेस होती है हैवी वेट, वो धीरे गर्म होती है, इससे दुगुने टाइम में ये गर्म होएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया लाइट वेट और हैवी वेट का डिफरेंस। हैवी वेट में पत्ता डलेगा और इसमें लाइट वेट में रोड डलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको साथ में इनको चेक करने का तरीका ही बताता चलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि भाई कोई भी अगर अपन इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे घर का, प्रेस, कूलर, मिक्सी, तो उसमें सीरीज की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको सीरीज बनाने का तरीका ही बताया था। उसके अलावा दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट और भी मिलता है, छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी मार्केट में मिल जाता है लगभग 20-25-30 रुपये का। तो दोस्तों, ये भी सीरीज की जगह आपका काम कर सकता है। इसमें बेनिफिट यही होगा कि इसमें अपने को कोई करंट वगैरह लगने की दिक्कत नहीं लगेगी, परेशानी नहीं होगी। तो ये ऐसा मिलेगा, इसको अपन दोनों को बिठाएंगे तो ये बत्ती जलेगी इसमें, इससे भी अपन चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये पत्ता ही हो गया दोस्तों, तो इसको चेक करने के लिए इस पर लगाएंगे और इस पर लगाएंगे, ये लाइट जल गई, इसका मतलब ये पत्ता सही है। और दोस्तों, इसमें ये भी डिफरेंस है कि अगर इनको एक जगह बैठा देंगे तो बत्ती फुल हो जाएगी, ये फर्क आएगा, पर ये दोनों लगाने से जल गई तो ये सही है पत्ता। इसी तरह ये रोड है इसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगाएंगे तो ये जलेगी, तो ये रोड सही है, इस रोड में कोई कमी नहीं है। यहाँ अगर इसको लगाएं तो ये जलना नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ लगाने पे ये जलना चाहिए, तो ये रोड ओके एकदम। इसके अलावा जैसे प्रेस है, इनको कैसे चेक करें इस बत्ती से, यही काम सिर्फ से ही कर सकते हैं अपन, पर इस बत्ती से कर सकते हैं दोस्तों। इसको यहाँ लगाएंगे और इसको यहाँ लगाएंगे तो ये बत्ती अब नहीं जल रही है, अब इसको तो दोस्तों, अब अपन इन प्रेसों को भी इससे चेक कर सकते हैं। ये प्रेस है देखो आपके सामने, इसको इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे, तो दोस्तों ये कहीं भी इसमें ये बत्ती नहीं जल रही है, तो ये प्रेस सही नहीं है।
ये प्रेस सही नहीं है, मान लो इसके अंदर से या तो कोई तार हटा हुआ है, या फिर इसका ऑटोकोट काम नहीं कर रहा है, या फिर इसका पत्ता खराब है, इसके अंदर पत्ता है पहले से वो शायद खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अब अपने को यहीं से पता लग जाएगा कि ये प्रेस अपनी सही नहीं है। इसी तरह ये दूसरी वाली प्रेस है दोस्तों, अगर इसको अपन लगाएंगे तो ये लगा दिया, तो दोस्तों ये वाली प्रेस है, इसको ये लगा दिया और इसको अब घुमाएंगे तो ये बत्ती जल गई, तो ये प्रेस सही है। ओके प्रेस ये चालू है, तो इससे ये भी चेक किया जा सकता है कि प्रेस अपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये इसमें जलेगी। और इसी तरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कूलर हो, मिक्सी हो, अगर उसको मेन डोरी को लगाएंगे तो ये जलेगी तो वो ओके है। ये चेक करने का तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो चेक करने का तरीका हो गया, इसको लगाया अपन ने तो ये बत्ती जल गई, ये प्रेस ओके है इधर वाली, और ये इसमें बत्ती नहीं जली थी तो ये प्रेस सही नहीं है, इसमें मिस्टेक है, कहीं भी हो सकती है। अंदर खोलने के बाद पता चलेगा, आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अंदर से इनको चेक किया जाता है, इनका ऑटोकट कैसे चेंज किया जाता है और कैसे इनको ठीक किया जाता है। इसके अलावा साथ में ये भी चेक होता है इससे दोस्तों कि इसको एक तार को इधर ये लगाएंगे, इधर इसको लगाएंगे, अगर उसमें बत्ती जलती है तो ये मानो कि ये प्रेस बॉडी शॉर्ट है यानी करंट मारेगी, और अगर नहीं चल रही है तो ये प्रेस सही है। अब जैसे ये प्रेस सही है, ये तो सही तो है ही, पर कई बार को क्या होता है कि प्रेस सही होती है, चलती सही है, गर्म भी होती है, लेकिन करंट मारती है, उसको कैसे चेक करें। तो एक तार को इधर लगा के और जब इसको लगाएंगे बॉडी को तो ये बत्ती जलेगी, अगर वो जलती है तो ये मान लो कि अपनी प्रेस अंदर से कहीं ना कहीं कोई तार टच है कुछ भी है वो बॉडी से अर्थ है और वो करंट मारेगी। अगर ये भी नहीं जलती है तो ये मान लो प्रेस एकदम ओके है, एकदम सही है, इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया आज प्रेस लाइट वेट और हैवी वेट का डिफरेंस, आगे वीडियो में बताऊंगा कि प्रेस से कैसे इनकी रोड या पत्ता चेंज करना, इनका ऑटो कट कैसे ठीक करना, इतना आसान तरीके से कि आप आसानी से घर पे कर पाओगे। दोस्तों वीडियो मैंने बनाया, इसका आप देखना। और तो दोस्तों मैंने आज आपको वीडियो में लाइट वेट और हैवी वेट प्रेस का डिफरेंस बताया, आपने अच्छी तरह समझा होगा, और इसके बारे में कोई भी कमेंट हो तो वीडियो में डालें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।